तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल सबमिशन मैंने कर रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसको मैं इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डू फॉलो बैकलिंक्स है, नो फॉलो बैकलिंक्स है। आप देख पा रहे होंगे ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी आर्टिकल सबमिशन आप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कहीं भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की भी वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिलेगा। तो गाइस वीडियो को देखो लास्ट तक, और मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं गाइस, ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस में बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड और गाइस रैंकिंग के रिलेटेड ऑटोमेटिकली प्रॉपर SEO के रिलेटेड आपको प्रॉपर वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब आप कर लेना, लेकिन गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लेना, लेकिन साथ में जो है नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि गाइस डेली जो है वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो और गाइस वीडियो को वॉच करो, और गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो पे एक लाइक भी कर देना, और गाइस वीडियो वॉच करने के बाद गाइस उसको जो है अपनी वेबसाइट पे अप्लाई भी करना, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं गाइस, जो भी आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और गाइस आप देख पा रहे होंगे अभी अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, एक भाई है जिसने जो है अपनी वेबसाइट का पहले उसका DA 9 था, फिर उसका DA फिर से 4 हो गया, फिर उन्होंने जो है मेरी वीडियोस देखा, उसके बाद उन्होंने अप्लाई करा तो उनका DA जो है फिर से 9 हो चुका है। तो गाइस अगर आप काम करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो गाइस आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे से अगर पर्सनली अगर कुछ पूछना चाहते हो या पर्सनली कुछ बताना चाहते हो या कोई भी क्वेश्चन हो जो पर्सनली अगर पूछना चाहते हो, तो गाइस आप जो है इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और गाइस मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है SEO ऑफ पेज के लिए, आपको बस प्लेलिस्ट पे जाना है, वीडियोस देखना है, उस वीडियो देखने के बाद उसको अप्लाई करना है, और गाइस ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको दिख जाएगा, चाहे वो रैंकिंग में हो, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो DA PA स्पैम स्कोर, हर चीज़ में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है, सबसे पहले इस वेबसाइट का मैं DA PA और स्पैम स्कोर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप अपने आप से भी आप चेक कर सकते हो। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे मैं अभी DA PA चेकर टूल मैंने ओपन करा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है, आई एम नॉट रोबोट का थोड़ा इशू हो रहा है, तो गाइस मैं दोबारा ट्राई करता हूं। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहां पे हो चुका है आई एम नॉट रोबोट, और यहां पे जो है दोबारा इशू हो रहा है। मैं काम कर लेता हूं, मैं नया विंडो नया टैब में ओपन करके देख लेता हूं। तो गाइस मैं न्यू विंडो में आ चुका हूं, और यहां पे जो है मैंने चेक कर लिया, और आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का जो DA जो है वो 74 है, और गाइस PA जो है वो 58 है, लेकिन गाइस स्पैम स्कोर खाली 11% है। लेकिन गाइस कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इससे जो है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन गाइस आप अपनी वेबसाइट का स्पैम स्कोर आपका इंक्रीज नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि गाइस ये इस वेबसाइट पे जो है मैंने पर्सनली बैकलिंक भी बना रखा है, उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मेरा इंडेक्स भी हो चुका है लिंक। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का DA 74 है, और PA जो है 58 है, और स्पैम स्कोर खाली 11% है। और गाइस इस वेबसाइट का मैं एक बार DR भी चेक करा देता हूं, जो है डोमेन रेटिंग, इसके लिए मैं गूगल पे जाता हूं और लिख देता हूं कि DR चेकर या डोमेन रेटिंग चेकर। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे देख रहा होगा पहली वेबसाइट भी मैंने ओपन कर लिया है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने URL को कॉपी पेस्ट कर लिया है, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे मैं टिक कर देता हूँ। और गाइस आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का जो DR जो है, जो डोमेन रेटिंग जो है वो 74 है, और DA भी 74 है, और DR भी 74 है। तो और गाइस इस वेबसाइट भी आप देख सकते हो लैक्स में जो है बैकलिंक्स भी बना रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है। चलो गाइस इस वेबसाइट पे जो है अभी मैं आपको एक आर्टिकल सबमिशन मैं आपको करके दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको ये चीज फॉलो करना है। और गाइस आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप में आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, वो है साइन अप का, और यहां पे आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपका जो यूजर नेम है वो यहां पे अपडेट करना है, उसके साथ में जो है गाइस अपना जो मेल आईडी है वो अपडेट करना है, उसके बाद पासवर्ड हो गया, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के जो क्वेश्चन होते हैं वो चीज आपको कैप्चर जो है उसको आपको फुलफिल करना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप सबके सामने ही मैं साइन अप करके भी मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि बस क्योंकि गाइस
बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है साइन अप करने के समय भी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फुलफिल कर लिया। उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और आप देख पा रहे हो गैस यहाँ पे जो है थोड़ा सा इशू आ गया, जो मेरा जो कैप्चर था वो सही से एंटर नहीं कर रहा, तो मैं एक बार रिट्राई कर देता हूँ। तो गैस आप देख पा रहे होंगे मैं दोबारा यहाँ पे कैप्चर डाल रहा हूँ। तो गैस आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से आपको भी अपनी जो डिटेल्स है वो फुलफ़िल करना है, और जैसे आप डिटेल्स को फुलफ़िल करोगे तो गैस आपका जो अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली साइन अप हो गया है। लेकिन गैस आपका जो अकाउंट है वो लाइव तभी होगा जब आपका मेल वेरीफाई होगा। तो गैस इसके लिए गैस अपना जो मेल आईडी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गैस आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मेरे पास मेल भी आ चुका है, आपके पास भी इसी तरह से आपके पास भी मेल आ जाएगा। और जैसे ही मेल आ जाएगा आपको बस मेल को वेरीफाई करना है। तो गैस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिख भी रहा होगा मेरा जो अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली मेरा अकाउंट जो है। तो गाइस आप सबको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि मेरा जो अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गया है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए जाऊंगा। तो गाइस आप देख पा रहे हो जैसे आपका अकाउंट जैसे आप साइन अप हो जाएगा तो आपको जो है लॉगिन करना है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसी तरह से आपको भी लॉगिन करना है। और जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको जो है इस तरह से आपको पेज दिखेगा, इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से आपको दिखेगा। सबसे टॉप में जो है आप देख पा रहे होंगे माई साइट का ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ में जो है एडिट साइट का ऑप्शन मिलेगा। आपको करना क्या होगा, आपको जाना है एडिट साइट पे। तो गाइस जैसे मैं एडिट साइट पे खोल, तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि एक ना वर्डप्रेस वाला डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे जैसे आप एडिट साइट पे क्लिक करोगे तो गाइस आपके पास जो है इस तरह से ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके पास पोस्ट पे जैसे आप जाओगे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा एड ए न्यू पोस्ट। यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो आर्टिकल है अपनी जो ब्लॉग है यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो आर्टिकल जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए और कम से कम 600 वर्ड्स टू 1000 वर्ड्स के बीच में आपका जो आर्टिकल है वो होना चाहिए, और आर्टिकल जो है रिलेटेड भी होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी एक प्लेलिस्ट बना रखा है कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए ईडियो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इसी टॉपिक के ऊपर जो है मैंने एक थोड़ा सा कंटेंट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा हुआ है। लेकिन गाइस आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको यूनिक कंटेंट आपको यूज करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रैंकिंग अगर इंप्रूव करना चाहते हो या अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक इंप्रूव करना चाहते हो तो गाइस आप जो है कंटेंट जो है यूनिक यूज करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट अगर यूज करोगे तो गाइस आपकी जो लिंक है अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका जो लिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान से समझने वाली बात है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो टाइटल और कंटेंट और लिंक जो है सारी रिलेवेंट है। आप देख पा रहे होंगे ईडीओ बैकलिंक्स के ऊपर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, और मेरा जो लिंक आईपर लिंक जो है वो ईडीओ बैकलिंक्स के रिलेटेड ही है। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो है कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैकलिंक्स के रिलेटेड है। तो गाइस मैं कैटेगरी यहाँ पे बैकलिंक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है आप अपना इमेज भी आप लगा सकते हो जो वेबसाइट के रिलेटेड होगा, जो कंटेंट के रिलेटेड जो इमेज होगा वो चीज़ आप यूज कर सकते हो। और गाइस कोशिश करो कि आपका जो कंटेंट है जितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी ही जल्दी आपकी जो लिंक जो है वो इंडेक्स होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और गाइस आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट अगर यूजफुल कंटेंट हो गया या कंटेंट जो है पढ़ने में इंटरेस्टिंग कंटेंट हो गया तो गाइस ऑटोमेटिकली आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक को इम्प्रूव आप कर सकते हो। तो गाइस सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको जो है पब्लिश करना है। तो गाइस जैसे आप पब्लिश कर दोगे आपके पास जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो लिंक जो है वो लाइव हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और लिंक को मैं इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो बैकलिंक्स है या डू फॉलो बैकलिंक्स है। अगर प्रॉपर इमेज भी अगर लगाओगे तो गाइस इमेज भी लगाओगे तो गाइस आपका जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ, ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको जो है प्रूफ दिखा देता हूँ। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे जो लिंक है वो ऑलरेडी मेरा इंडेक्स हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ। तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, और प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है आप प्लेलिस्ट में जाओ गाइस वीडियोस को वॉच करो और गाइस उसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।